सरकार दिखाने के लिए बहुत कुछ करती है, वो सारा बंद करे। हमारी पत्रिकाएं जी वो बंद कर दी है। और बताऊं जो हम लोगों पर फिल्में बनाई थी दलित समाज के लोगों पे, वो सारा बर्फ में लगा दिया है। कोई भी रिसर्च संस्थान, कोई भी लाइब्रेरी, कोई भी यूनिवर्सिटी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आज की डेट में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, आप समझ लीजिए। औरंगाबाद में जो यूनिवर्सिटी है वो केवल दिखावे के लिए। इतना पैसा मिलता है विदेश विभाग का, संस्कृति विभाग का, वो सारा पैसा जो है ना ब्राह्मण लोग हड़प रहे हैं दलितों के नाम पे। दलितों की नियुक्ति नहीं हो रही थी शिमला में, हम देखिए, मैं एडवांस स्टडी में फेल हो रहा हूँ इंस्टीट्यूट में, वहाँ दलितों को नहीं लेते। तो जानबूझ के एक ऐसी स्थिति बना दी है कि दलितों के नाम पर आप बड़ी बड़ी बातें करें और उनको देना ना पड़े। मैं अंतिम बात ये कहना चाहता हूँ, आपने पुष्पमित्र सिंह का नाम सुना होगा। पुष्पमित्र सिंह हत्यारा का हजारों बहुत बुद्धिस्ट लोगों का सर काट के उन्होंने एक ऐलान किया था कि हमें सर ला के दें बुद्धिस्ट लोगों का। मोदी को मैं पुष्पमित्र सिंह मानता हूँ आज की डेट में। मैं खुला ऐलान करता हूँ, मोदी दलितों के लिए हत्यारा है। मैं खुलेआम कहता हूँ, वो गिरफ्तार करें हमें कर सकता है। तो पुष्पमित्र सिंह की स्थान मोदी ने ले लिया है। साथियों, हमारे सारे लोग, हमारे सारे पढ़े लिखे लोगों को नौकरी नहीं है। हम साहित्यकार लोग हैं, हमारी किताबें लाइब्रेरी में लोग नहीं लेते हैं, और सारा पैसा जो दलितों के नाम पे है वो हड़प रहे हैं। हमारी माँ बहन बेटियों पर बलात्कार होते हैं, हमारे घर जलाए जाते हैं, और तमाम चीज़ें पूरे देश में हो रही हैं, और बाहर जाके सरकार कहती है भाई हम दलितों के नाम पे बहुत कुछ कर रहे हैं। ये सारा गलत है, हमें इनके नकाब हटाने पड़ेंगे और हमें इनको नंगा करना पड़ेगा। आने वाले चुनाव में इनको हमें भगाना पड़ेगा देश से, इसलिए ये आगे ये हरकतें ना कर सकें। इनकी हरकतों को समाज को यूनिटी से, संगठन से वो आगे बढ़ाना है और दिशा देनी है। साथियों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि मोदी सरकार इस समय वो जाने वाली है, इसको लात मार के भगाना पड़ेगा, मैं ये कहता हूँ। और दिल्ली से ही हूँ, नवी जागृति धानुक समाज कंडेरिया संगठन जो कि रजिस्टर्ड है वो दिल्ली प्रदेश के लिए काम कर रहा है। समाज के साथ साथ एससी एसटी ओबीसी के लिए आवाज़ उठाने के लिए हमारा संगठन आज यहाँ पर जंतर मंतर पर आया हुआ है। और मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह से संविधान के साथ साथ छेड़छाड़ की जा रही है वो छेड़छाड़ ना हो, हमारा संगठन उसके लिए आवाज़ उठा रहा है। और साथ ही साथ अभी जो आदिवासियों को बाहर निकालने की जो एक मुहिम चली है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, फौरी तौर पे एक राहत उनको दी गई है, लेकिन ये राहत बहुत ही फौरी कदम है, ये फैसला कभी भी पलटा जा सकता है। तब तक हम लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलता। और आज का जो खास प्रोटेस्ट है 13 पॉइंट प्रोटेस्ट को भी लेकर के भी है, हमें 200 साल तक हमें हमारा न्याय नहीं मिलने वाला अगर ये 13 पॉइंट रोस्टर लागू होता है। तो इस रोस्टर को हमें मंजूर नहीं करना है, पूरे समाज को मंजूर नहीं करना है, क्योंकि जब ये रोस्टर लागू होगा तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी कभी भी इस रोस्टर में शामिल नहीं हो पाएंगी। मनवादी जो लोग हैं हमारी मनसा पे पूरी तरह से कुठाराघात करते रहते हैं, आज उन्होंने ऐसा कदम उठाया है जो कि हमारे पेट पर लात मारने के साथ साथ हमारी पीढ़ियों के ऊपर भी एक कुठाराघात किया है। कभी भी हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ियाँ कभी भी प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं। तो मेरा कहना यही है कि समाज जो एकजुट हो रहा है, एससी एसटी ओबीसी ये सबका संगठन है, सबके माध्यम से इस प्रोटेस्ट को किया जा रहा है और सबकी इसमें विशेष भूमिका रहने वाली है। और मैं समझता हूँ सरकार की आँखें इस बात से खुल जानी चाहिए कि लोग उनकी खिलाफत बहुत जोर शोर से कर रहे हैं। और इस माध्यम से, आपके चरण के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम सरकार उस बात को जरूर सुने जो कि हमारा हक है, हमें न्याय दिलाने के लिए वो काम करे। एससी एसटी ओबीसी जो पिछड़े लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, आपका चैनल बार बार उस बात को उठाता रहता है। मैं तो धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल को कि आप झारखंड न्यूज़ बार बार उस न्यूज़ को उठाता रहता है और हमारी बात को अपने शब्दों में रखता रहता है।
आज जो ये तीनों पॉइंटों पर जो ये प्रदर्शन हो रहा है, हमारा संगठन नव जागृति ढानव समाज संगठन आपको पूर्णतया भारत बंद का समर्थन का प्रयत्न। आज सर ये रैली का आयोजन किया गया है, विशाल रैली का आयोजन आदिवासियों के उपलक्ष्य में और भी और चीज़ें हैं, तो इसमें क्या करना चाहते हैं आप? ये जो आंदोलन है ये बहुत बड़ा आंदोलन है। इस आंदोलन होने के कारण है कि जो SC/ST OBC को जिस तरह से अपॉइंट किया जाता है कि रोस्टर सिस्टम है, 200-point रोस्टर सिस्टम, उसको हटाकर जो है 13-point रोस्टर सिस्टम लागू किया गया है। अगर उसकी वजह से क्या होगा कि बहुत सारे लोग थर्ड कैटेगरी के लोग उससे बाहर हो जाएंगे, उनका अपॉइंटमेंट नहीं हो पाएगा और उनको जॉब्स नहीं मिल पाएंगी। इसकी वजह से वो लोग जो है रोडों पे हैं और वो अपनी आवाज़ जो है लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, संसद तक पहुंचाना चाहते हैं, और इसलिए ये आंदोलन हो रहा है। अगर आपकी ये मांगें पूरी नहीं होती है तो आगे आपका क्या उद्देश्य है? अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तो ये आंदोलन और बड़ा होगा। हम झुकने वाले हैं नहीं, ये शुरुआत है और आगे भी हम इससे बड़ा आंदोलन। ये आंदोलन आपका कहाँ कहाँ चल रहा है? ये पूरे भारत में चल रहा है, बिहार में तो आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, हर जगह पूरा आंदोलन चल रहा है और इसका बड़ा शेप होता जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे आपके साथ अभी कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं? यहाँ पर जो है पूरे दिल्ली से लोग हैं, बाहर से भी लोग हैं, JNU से हैं, मेट्रो यूनिवर्सिटी से, जामिया से हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी हैं, मतलब हर यूनिवर्सिटी से जो जागरूक लोग हैं वो आ रहे हैं और अपनी भागीदारी ले रहे हैं। रैली के उपलक्ष्य में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो आप विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं वह केवल दिल्ली का एक संकेत, आज पूरा भारत बंद है इसी एक इशू पर, 13-point पोस्टर और आदिवासी उत्पीड़न के खिलाफ। जैसा कि आपको मालूम होगा कि 200-point के खिलाफ सरकार अध्यादेश लाने की बात कर रही है 13-point के खिलाफ, और आज जब यह खारिज हो जाता है, सरकारी खारिज होती है, सिंह खारिज हो जाता है, उसके बाद बैठक तक में इसकी चर्चा तक नहीं करती। यह सरकार पूर्णतः बहुजन विरोधी है और बहुजन विरोध के स्वरूप उत्पीड़न के खिलाफ आज पूरे भारत में इस आंदोलन का। सर, BJP सरकार ने आने से पहले गरीबों को कहा था कि हम आरक्षण देंगे, लेकिन अभी तक कोई भी आरक्षण नहीं दिया है, तो इस प्रश्न में क्या कहना चाहते हैं? BJP सरकार ने केवल इतना ही नहीं कहा था, उनका सबसे बड़ा जो नारा था कि सबका साथ सबका विकास, ये केवल पूंजीपतियों का विकास कर रहे हैं, केवल सवर्णों का विकास कर रहे हैं। हमारे लिए BJP बहुजन विरोधी है और आप इसका अंदाज़ा देख रहे हैं खामियाजा। न तो वे चाहते हैं कि जंगल में रह पाएंगे, न वो विश्वविद्यालय में इन्हें देखना चाहते हैं। इसका साफ प्रतिरोध आज पूरे भारत की सड़कों पर आपको दिखाई दे रहा है। जो रिजर्वेशन आया वो 1997 में आया, उसके बाद भी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, और 2006 में UGC सर्कुलर भेजता है, उसमें बोलता है, बिल्कुल क्लियरली बोलता है कि इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट रिजर्वेशन फॉर SC/ST मेक श्योर दैट डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर इज नॉट फॉलो, इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। लेकिन उसके बाद भी ये नहीं हुआ। दूसरी बात, OBC पिछड़ा वर्ग के लिए मंडल कमीशन ने 90s में वो रिकमेंड कर दिया था, लेकिन इम्प्लीमेंट होता है 2007, और अब ये हो गया है कि अभी कितने साल हुए, 2007 से 18-11 साल मुश्किल से हुए हैं, और आप देख सकते हैं कि अभी से इनको अभी तो ये पिछड़ा बहुजन वर्ग अभी अपने को सेटल कर ही पा रहा था कि तभी एक और फरमान ले आते हैं कि बाग बार रोस्टर करें और इनको बाहर निकालें, तो ये नहीं चले। दूसरी बात, आदिवासी, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आदिवासी की वजह से जंगल खतरे में, क्या आपको पता है दिल्ली के अंदर जो सांस ले रहे हैं उन्हीं की वजह से ले रहे हैं? ये क्या भूल गए? वहाँ पूंजीपतियों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, जितने भी वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज है वो देना चाहते हो, उन्हें कहा वो कहाँ जाएंगे? जब सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय है, जब वहाँ पे भी उनका न्याय नहीं मिलेगा तो न्याय कहाँ मिलेगा आदिवासी, ये पिछड़ा बहुजन वर्ग को कहाँ न्याय मिलेगा? तो ये बहुत ही बड़ा इशू है, हर हिंदुस्तानी को ये समझना चाहिए। देश लोगों से बनता है, देश केवल बाउंड्री से नहीं बनता या झंडे से नहीं बनता। ये कोई भी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे BJP हो, कोई भी हो, उन्हें समझना होगा कि लोग सब बराबर है। अगर आप हमें बोलते हैं कि हम नागरिक हैं भारत के, तो हमें भारत के नागरिक माने भी, और सभी नागरिकों को जो बोलते हैं कि इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, आप उसको इम्प्लीमेंट तो कीजिए, कभी आप तो सोच भी नहीं सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है, इस तरह के प्रोटेस्ट, और पूरे देश में आज प्रोटेस्ट हो रहा है, किस
इसलिए कि वही बहुजन को आप मानते नहीं, आप हमको सब ह्यूमन कैटेगरी में, हम तो इंसान है ही नहीं, ऐसा नहीं चले। 13 पॉइंट रोस्टर को वापस किया जाए, आदिवासियों को अपनी जमीन वापस दी जाए, और जो 10% आरक्षण स्वर्ण आरक्षण है वो असंवैधानिक है, उसे खत्म किया जाए, वापस किया जाए, उस अध्यादेश को वापस लिया जाए, और झूठ जो परोसा जा रहा है उस पर अविलंब रोक लगाया जाए, और मीडिया में जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, मीडिया ने जो लाइन पकड़ा है फौरन उस पर भी रोक लगाई जाए, वरना देश के अंदर अराजकता फैल जाएगा, देश के अंदर गृहयुद्ध जैसी स्थिति हो जाएगी। इसलिए सरकार को भी हम चेताना चाहेंगे और साथ में जनता से ये मांग करना चाहेंगे कि आने वाली 2019 में ऐसी निकम्मी झूठी और गलत तथ्य जो है सर देश के सामने रखने वाली सरकार को उखाड़ फेंका जाए। जिस तरीके से सर आपने विशाल रैली का आयोजन किया है और एक हफ्ते से आपका ये चल रहा है, उद्देश्य 5 मार्च को भारत बंद का आयोजन हो रहा है और काफ़ी जगह से सुनवाई में भी आ रहा है कि रेलें रोक दी गई हैं, तो इस उपलक्ष में आपका क्या कहना है? देखिए, दिल्ली में तो अभी सांकेतिक धरना इसको हम कहेंगे, इसलिए कि हम लोगों का समन्वय अभी नहीं हो पाया था, लेकिन 5 मार्च ये सुनिश्चित था कि बंद किया जाएगा। 2 महीने पहले ही कह दिया गया था सरकार को। वो 13 पॉइंट रोस्टर जो है मुख्य मांग है, जिसमें कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के एंट्री को रोकने का जो ये प्रयास किया गया, पिछले दरवाजे से स्वर्णों को उस पर स्थापित करने का जो प्रयास किया गया है, इसका भरपूर विरोध हो रहा है, और जब तक सरकार इस पर अध्यादेश नहीं लाती, इसको वापस नहीं लेती, होता रहेगा निरंतर, अंतोगत्वा ये वोट में जाकर बदलेगा। अगर ये बात पूरी नहीं होती तो आप क्या बड़ा आंदोलन करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इससे बड़ा आंदोलन, बहुत बड़ा आंदोलन होगा। दिल्ली में चप्पा चप्पा बंद कर दिया जाएगा, दिल्ली को पूरी तरह से ठप कर दिया जाएगा, सरकारी कामकाज को रोक दिया जाएगा। इस जमात को आप हल्के में नहीं लें, ये आज जितने लोग आए हैं ये आम लोग नहीं आए, ये खास लोग आए हैं सड़कों पर सिर्फ रोष प्रकट करने और अपने समाज को संदेश देने कि ये बेईमानी हमारे साथ जो हुई है हम इसका विरोध कर रहे हैं, करते रहे। सर एक छोटा सा सवाल, कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं आपके साथ उपस्थित हैं यहाँ? दिल्ली के कोने कोने से सारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग आए हैं, छात्र आए हैं, प्रोफेसर आए हैं, इस तरह के लोग आए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता आए हैं, आम जनता अभी नहीं आई है। इस बात को मैं फिर से दोहरा दूं, आम जनता अभी सड़क पर नहीं आई है और ना आम जनता को आने का आह्वान हमने लोगों ने किया था। सर जिस तरीके से अभी आप छोटा एक तरीके से शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक रैली कर रहे हैं, फिर भी अभी मोदी जी के कानों पर जू नहीं रंग रही है, तो इस उपलक्ष्य में क्या कहना चाहते हैं कि मोदी जी किस तरीके से बैठे हुए हैं? बाबा साहब ने हमको एक संवैधानिक अधिकार बरासा दिया है, ये सरकार दुर्भाग्य से उसको भी छीनना चाह रही है, जो वोट का अधिकार है। हम अंतिम हथियार हमारे पास है, यदि सरकार नहीं जागती है तो हम वोट के खनक से इसको जगा देंगे।